नाउ क्लास फोर्थ नाउ क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स वी विल डू एक्सरसाइज सिक्स्थ ई. सो सिक्स्थ ई हैज क्वेश्चन वन टू क्वेश्चन सिक्स. वी विल डू क्वेश्चन वन. क्वेश्चन वन हैज टू पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू पार्ट ए. सो टेक आउट योर मैथ रजिस्टर एंड राइट द हेडिंग एक्सरसाइज सिक्स्थ ई एंड क्वेश्चन वन ए. सो क्वेश्चन वन ए वी विल रीड. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 14 एंड 21 लीव्स नो रिमाइंडर. सो इट मीन्स स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे डिवाइड हो 14 और 21 और कोई भी रिमाइंडर ना बचे. तो इट मीन्स हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है. इट मीन्स हमें एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स 14 एंड 21 का. एंड यू नो वेरी वेल कि हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ एनी नंबर. सो फर्स्ट ए क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉल, यू विल राइट द क्वेश्चन देन एलसीएम ऑफ 14 एंड 21. सो वी विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 21. देन वी विल राइट द फैक्टर्स 14 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 21 इक्वल्स टू 2 3 मल्टीप्लाई बाय 7. नाउ एलसीएम ऑफ 14 एंड 21 इज 2 को हम लेंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज 2 सिंगल है तो 2 आएगा. देन 3 को भी लेंगे हम, 3 सिंगल है, 3 भी ले लिया हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय 3. देन 7 का पेयर है तो हम 1 7 लेंगे, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42. सो 42 विल बी द एलसीएम. नाउ वी विल राइट सो द स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स टू 42. दिस इज द आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन 1, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 27 एंड 36. सेम एज क्वेश्चन 1, यू विल डू इन दिस क्वेश्चन टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 27 एंड 36. सो पार्ट बी, यू विल राइट द क्वेश्चन, देन यू विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 27 एंड 36. देन वी विल राइट द फैक्टर्स 27 एंड 36 हेयर. देन यू विल राइट एलसीएम ऑफ 27 एंड 36. सो स्टूडेंट्स, 2 टाइम 2 है तो हम 2 टाइम 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई. 3 का पेयर है, 1 पेयर है 3 का, दो पेयर 3 के हैं तो 2 पेयर 3 के लिखेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 3. देन सिंगल 3 यहाँ है, ये बचा हुआ तो हम इसको भी लिखेंगे. नाउ वी विल डू मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108. सो द स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स टू 108. दिस इज द आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 हैज ऑल्सो टू पार्ट्स. सो पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन 2 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 8 एंड 12. नाउ सेम अगेन, वी विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 12. सो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ए, यू विल राइट द क्वेश्चन, देन वी विल राइट एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 12. यू विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 4 एंड 8 एंड 12. देन यू विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12. देन राइट एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 12 इज 2 को हम लेंगे बिकॉज 2 का पेयर है तीनों में. देन फिर 2 को लेंगे, 2 का पेयर है. देन सिंगल 2 एंड सिंगल 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. सो द स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स टू 24. दिस इज द आंसर. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेल. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन बी ऑफ पार्ट 2, क्वेश्चन बी ऑफ क्वेश्चन 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिविजिबल डिवाइडेड बाय 14, 28 एंड 56 लीव्स नो रिमाइंडर. सेम एज पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन 1. सो यू विल डू योर सेल्फ ऑफ क्वेश्चन बी ऑफ क्वेश्चन 2. ये आपको खुद करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 का पार्ट बी, जिसमें आपको एलसीएम निकालना है 14, 28 और 56 का. यू विल डू वेरी इजीली. सो यू विल डू दिस क्वेश्चन योर सेल्फ. नाउ क्वेश्चन 3 हैज ऑल्सो टू पार्ट्स. सो पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन 3 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स 5 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 36 एंड 54. सो स्टूडेंट्स, हमें इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसमें 5 रिमाइंडर में बच जाए और वो डिवाइड हो जाए 36 और 54 से. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें इसमें स्मॉलेस्ट नंबर यानी एलसीएम निकालना है 36 एंड 54 का. जो भी एलसीएम आएगा उसमें से हमें 5 को ऐड करना है, 5 को ऐड कर देना है. सो पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन 3, यू विल राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, देन लेट अस फर्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय 36 एंड 54. यू विल राइट डाउन द
factors of 36 and 54. Now the LCM of 36 and 54 is 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. It will be 108. 108 is the smallest number that is divisible by 36 and 54. So students, smallest number 108 hai, jo 36 aur 54 se divide ho sakta hai. Now we will write, so the smallest number which when divided by 36 and 54 leaves 5 as remainder. Ab hame isme 5 ko add karna hai. 108 mein 5 add karenge to 113. So 113, this is the answer. I hope you will be understand well. Now part B of question number 3. Find the smallest number which when reduced by 2 become divisible by 24 to 48 and 64. So students, part B में आपको LCM निकालना है 24, 48 और 64 का. Then उसमें LCM निकालने के बाद 2 को add कर देना है. Same as question part A of question 3. ऐसे ही part B होगा. तो ये आपको खुद करना है part B. Now we will do question number 4. Question number 4 is, what is the smallest number of chair that can be arranged in rows of 9 or 15? हम सबसे कम से कम कितनी चेयर लगा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं 9 और 15 रोज में. तो हमें इसमें भी स्टूडेंट LCM निकालना होगा 9 और 15 का. सो इन नोटबुक यू विल राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, देन यू विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 15. Then you will write LCM of 9 and 15 is 3 multiplied by 3 multiplied by 5. It will be 45. So here we will write, so the smallest number of chairs equals to 45. This is the answer. Now question 5. Jack and Jill stand on the same tile. Jack और Jill एक tile पर खड़े हैं, same tile पर खड़े हैं. Jack start jumping. Jack start करता है jump to every third tile in a row. उस रो में हर एक थर्ड टाइल पर वो जंप करता है. एंड जिल स्टार्ट जंपिंग टू एवरी सेकंड टाइल इन द रो. और जिल जो है वो स्टार्ट करता है जंप हर दूसरी सेकंड वाली टाइल पर उस रो में. तो विच इज़ द फर्स्ट टाइल ऑन विच बोथ लैंड. सो ऐसी कौन सी पहली टाइल होगी जिस पर वो दोनों एक साथ लैंड करेंगे. तो हमें LCM निकालना होगा स्टूडेंट्स इसमें भी 2 and 3 का. So in notebook we will find out LCM of 2 and 3. So it will be 6. So the answer will be 6th. So 6th tile ऐसी होगी students जिस पर वो दोनों एक साथ jump करेंगे पहली बार. Now question number 6. The alarms on 2 mobile phone ring together once. Mobile phone के alarm हैं दो मोबाइल फ़ोन के अलार्म एक साथ बजते हैं एक बार. इफ़ वन रिंग्स एवरी 15 मिनट्स, अगर पहला बजता है हर एक 15 मिनट बाद और दूसरा बजता है हर एक 25 मिनट्स बाद. सो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, तो कितने मिनट्स बाद वो एक साथ बजेंगे. तो हमें यहाँ स्टूडेंट्स 15 और 25 का LCM निकालना होगा. तो इन नोटबुक वी विल राइट द स्टेटमेंट, वन रिंग्स बेल इक्वल्स टू 15 मिनट्स, अदर रिंग्स बेल्स इक्वल्स टू 25 मिनट्स. Now we will find out the LCM of 15 and 25. Then we will find out the factors of 15 and 25. So it will be 15 equals to 3 multiplied by 5 and 25 equals to 5 multiplied by 5. Now LCM of 15 and 25 is 3 multiplied by 5 multiplied by 5. Because 3 ko hum ek saath ek single time hai, to ek time lenge 3 ko. Then 5 ka पेयर है तो हम 5 को एक टाइम लेंगे और 5 ये सिंगल है तो इसको भी लेंगे. 3 5 15 15 5 75. सो स्टूडेंट्स हेयर वी विल राइट, सो 75 मिनट्स आफ्टर दे रिंग टुगेदर अगेन. तो 75 मिनट्स के बाद वो दोनों फ़ोन की रिंग एक साथ बजेगी. सो नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6th E हैज कम्प्लीटेड एंड द चैप्टर ऑल्सो बी कम्प्लीटेड. यू विल डू दिस एक्सरसाइज also in your fear register that I have done very neatly and cleanly, and you will revise all the chapters.
थैंक यू।